छत्तीसगढ़ में लगभग 72 संगठनों के सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर के पीछे चार दिनों से काम बंद कर हड़ताल कर रहे हैं। इनकी मुख्य मांग गृह भाड़ा भत्ता और डीए है। अधिकारी कर्मचारी आज बसना में अपनी मांगों को लेकर के रैली की शक्ल में सड़क पर उतरे और शहीद वीर नारायण चौक पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि यदि 29 जुलाई तक उनकी मांगों पर विचार नहीं होता है तो यह लड़ाई अनिश्चित काल के लिए भी लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भाजपा के पूर्व विधायक त्रिलोचन पटेल सहित कई बड़े नेताओं ने भी उनकी मांगों को जायज बताया है। अधिकारी कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व भी एक दिवसीय हड़ताल किए थे जहां उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर समाधान करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया और उनकी मांगों के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। इसको लेकर के मजबूर होकर आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 72 संगठनों के अधिकारी कर्मचारियों ने एक स्वर पर काम बंद कर हड़ताल में बैठने को मजबूर है। कर्मचारियों का कहना है कि इतनी इनकी जो मांग है वह मांगे नहीं है बल्कि ये उनका अधिकार है जिन्हें वेतन के साथ मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार उनके साथ भेदभाव करते हुए उनको उनका अधिकार नहीं दे रही है और उनके हक का पैसा जो कई करोड़ रुपए है उसे अपनी सुख सुविधा में खर्च कर रही है। यदि समय रहते सरकार उनको उनके अधिकार जो दो मांग है उनको नहीं देती है तो आगे अनिश्चित काल तक लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य रहेंगे। और आप जो है हम हमारी लंबित जो मांग है एचआरए की और 34% डीए की, उसके लिए आज रोड की लड़ाई लड़ने के लिए उतरे हुए हैं। आज अगर भूपेश सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो कल से हम और हमारी पूरी टीम जो है पूरे 75 जो संगठन है वह सभी संगठन जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। क्या आप लोग के द्वारा चौथे दिन भी हड़ताल जारी रखी गई है, क्या है कारण इसका प्रमुख? इसका एक ही कारण है सर, पिछले समय हमने 22 को और 29 जुलाई को सांकेतिक रूप से हड़ताल किया था एक दिवसीय और उसमें चेतावनी दिया था सरकार को कि ये हमारी मांग नहीं बल्कि ये हमारा अधिकार है। गृह भाड़ा भत्ता और डीए ये हमारे वेतन के साथ दिया जाना चाहिए था, लेकिन 3 साल हो गया अभी हमारे हर कर्मचारियों का 10 से 20 हजार और 20 से 50 हजार तक हर महीने जो हमारे वेतन के साथ दिया जाना चाहिए था अभी तक नहीं दे रहे हैं और उस पैसे का उन लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, जबकि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि आम लोगों को तकलीफ देना। आम लोग हमारे परिवार के लोग हैं, भाई बंधु हैं, उन लोग आके ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं और उनका काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारा मकसद इस प्रकार से उन लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देना है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।